राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बलरामपुर में स्कूली विद्यार्थियों को किशोर अवस्था में होने वाली बीमारियों की रोकथाम और शारीरिक बदलाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी सिलसिले में बलरामपुर के शासकीय हाई स्कूल प्रांगण में स्वास्थ्य विभाग ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर कलेक्टर विजय दयाराम ने बच्चों को बताया कि एनीमिया और कुपोषण जैसी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए जल्द ही सभी स्कूलों में स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम चलाया जाएगा। बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य की गतिविधियों को थोड़ा सा और तेज करने के उद्देश्य से हमारे हाई स्कूल के जो 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं उनका हम लोगों ने आज से स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत उनको हम लोग ट्रेनिंग भी देंगे और समझाइश भी देंगे, जिसके आधार पर अपन को अपने परिवार को अपने समाज और समुदाय के बीच में शासन की जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी योजनाएं हैं उसके जानकारी पहुंचाने के लिए और अपने आप को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ तन मन के साथ आगे बढ़ने के लिए इस कार्यक्रम को शुरुआत की। स्कूली बच्चों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई जानकारी को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। हम लोगों को स्कूल में कार्यक्रम था, उसमें हम लोगों को मतलब कि जैसे किशोरावस्था में जो होता है उसके बारे में बताया गया और मतलब कि यहाँ पे सीख दिया गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जब बच्चों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की तो उन्होंने भी अपनी बातें रखी।